है कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक अच्छी आपकी होनी चाहिए, और जो ये कलर है वाइट वो वाइट अच्छा होना चाहिए। तो इसी का नाम स्टार जेब्रा है। अस्सलाम वालेकुम, आज के व्लॉग में खुश आमदीद, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात फिर करेंगे स्टार जेब्रा स्टेयर के वाले से। बहुत ज्यादा डिमांड है स्टार जेब्रा स्टेयर की इस वक्त, और एक घर में हमारा ही साइट है लगी हुई है, दो स्टेयर दो वॉशरूम की इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के तो आप लोगों तक शेयर की जाए, और आपको इसकी प्राइस के बारे में बताएंगे, ये कितने स्टेप्स की स्टेयर है और कितने में तैयार हुई और कैसी लग रही है, ये आपने कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताना है। तो चले आए, आपको दिखाता होगा कैसी स्टेयर लग रही है। ये देखें माशाल्लाह से स्टार्ट में ही फ्रेमवर्क है, जिसे आप कहते हैं फर्म, हम देसी जुबान में बोलते हैं। तो ये स्टार्ट से ही पहले तीन जो स्टेप्स हैं ये तकोने स्टेप्स हैं, इनको फर्मे बोला जाता है, जिसके कागज़ के ऊपर फ्रेम बना के उसके मुताबिक फिर कटिंग की जाती है, और इसमें आपको पता है काउंटर पीस नहीं आता, तो ये पीसीज में डाला जाता है। ये भी आप देख लें, यहाँ पे एक लाइन आपको हल्की सी महसूस हो रही है, ये यानी कि एक दो और छोटा सा वो कॉर्नर में तीसरा पीस डाल के ये पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। जैसे ही सीढ़ी आगे की तरफ मुड़ जाती है तो उसके बाद सीधा ही स्टेप होता है, वो एक एक पीस में ही आता है। ये आपके सामने शेड आपको मैं इस तरह ऊपर से वापस आते हुए भी दिखाऊंगा। तो इस सीढ़ी के स्टार्ट में तीन है मोड, उसके बाद फिर स्ट्रेट स्टेप्स हो जाते हैं। ये शेड कैसा है आप ये देख ही सकते हैं आपके सामने, माशाल्लाह से काफी हद तक वेरिएशन कंट्रोल्ड है और एक ही तरह का है। इसमें इतना आ जाता है जैसे इस स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं, ये जाला है हल्का सा और इसके अंदर थोड़ी सी लाइनिंग आ रही है, तो इतना स्टार जेबरे के अंदर जो है वो वेरिएशंस आती ही आती हैं। इससे ज्यादा कम करना पॉसिबल नहीं है। मेन चीज ये है कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक अच्छी आपकी होनी चाहिए, और जो ये कलर है वाइट वो वाइट अच्छा होना चाहिए। तो इसी का नाम स्टार जेबरा है, और इसकी सीढ़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। अभी ये सफाई तो नहीं हुई हुई आपके सामने ही है कि इसकी क्लीनिंग अभी होनी है। जाहिर है जब साइड्स पे काम हो रहा होता है तो मिट्टी वगैरह गिरी होती है, जब सफाई हो जाती है तो हम लोग उस पर विजिट करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझते। इसीलिए वर्किंग प्रोग्रेस की जो सीढ़ियाँ होती हैं वही हम लोग बनाते रहते हैं आपके लिए। ये देखिए ऊपर चलते हैं, ये बेसिकली फर्स्ट फ्लोर से कह लें कि ऊपर सेकेंड फ्लोर पे छत पे आने वाली सीढ़ी है। ये मैं ऊपर आ गया हूँ यहाँ तक, और यहाँ से फिर मैं वापस जाऊंगा और इसी तरह उतरते जाएंगे, आपको इसकी लुक दिखाते जाएंगे। वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आपको इसकी पूरी प्राइस जो है वो भी आपको इस वक्त की बता देंगे। प्राइसेस तो आपको पता ही है कि बढ़ती जा रही है। ये देखिए ये उतर रही है सीढ़ी, ये हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए जी। ये स्टेप पहला लगा हुआ अभी अभी लगा, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं आएंगे। तो जो फर्स्ट फ्लोर से अपना जो सीढ़ी है ऊपर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ रही है, उसके ये इसी तरह सेम स्टाइल है, बिल्कुल सेम स्टाइल। ऊपर जैसे ही आप फ्लोर पे आने लगते हैं तीन कट्स हैं जो पीसीज के अंदर डले हुए हैं। इसके बाद फिर आप नीचे जाते हैं, कैसा प्यारा शेड है, शाइन भी आपको हल्की हल्की यहाँ से महसूस हो रही होगी, मिट्टी तो पड़ी हुई है लेकिन उसके बावजूद ये शाइन आप देख सकते हैं। हमारी पॉलिश क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी, हम कोशिश करते हैं तैयार करने की। ये देखिए अभी हम नीचे आ गए, और इसी तरह ये आपको नीचे से आपको सीढ़ी का व्यू दे देता हूँ मैं खड़ा होकर यहाँ से, तो आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह की लगती है। इसके बाद आपको मैं बाहर मेन एंट्रेंस अभी अभी इंस्टॉल हुई है वो भी स्टार जेब्रा की है, तो ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी ये मेन एंट्रेंस का व्यू है पूरा गराज के अंदर, कह लें कि ग्रे वैरायटी लगी हुई है सनी ग्रे की, अभी पॉलिश होना है, वट्टी शट्टी लगी हुई है लेकिन इसने पॉलिश होना है। तो कमरों के अंदर देखा जाए तो कमरों के अंदर भी उन्होंने ये ग्रे वैरायटी इस्तेमाल की है, अभी पॉलिश होनी है इसके ऊपर। और बॉर्डर ये आप देख सकते हैं, बॉर्डर किस तरह का नौ दाना टुकड़ी वाला अटैच किया गया, ठीक है, और दोनों के दरमियान में एक सेपरेटर का काम कर रहा है ये आपका मेन एंट्रेंस जो सी है। तो ये थी आज की वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको स्टार जेब्रा की स्टेयर का एक रिव्यू किया। इससे पहले भी मैंने बेसिकली एक स्टार जेब्रा की वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो मेरी अपनी वीडियो नहीं थी, वो क्लाइंट ने मुझे बना के भेजी थी, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं उसके ऊपर बात कर सका, इसीलिए मैंने सोचा कि ये दोबारा से एक इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, और सनी ग्रे की जो स्टेयर है उसके ऊपर भी दोबारा बनाएंगे, क्योंकि वो भी कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं हमारे यूट्यूब फैमिली, उन्होंने ये बताया कि उसकी क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि अंधेरे के अंदर थी वो, तो दोबारा इंशाल्लाह जब कोई साफ सुथरी सी
रोशनी के अंदर हमें नजर आएगी सीढ़ी सनी ग्रे की, तो उस वक्त इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा उसके साथ करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आज की वीडियो इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको फायदा जरूर हासिल होगा। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जाते जाते लाइक का बटन दबाते जाइएगा। खुश रहें, बात रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो अगर बात की जाए रेट की, इस वक्त का जो रेट है स्टार्स एब्रा स्टेप्स का, जिस तरह के आपको वीडियो के अंदर मैंने दिखाया अच्छी पॉलिश के साथ 260 रुपये स्क्वेयर फीट, और उसकी जो राइजर है उसका रेट है, यानी कि सामने वाली टक्कर जो है उसका रेट है 150 रुपये। ये 18-18 स्टेप्स की तकरीबन ये सीढ़ियाँ थी जिनके अंदर फर्मे भी शामिल हैं, 6-6 फर्मे थे, बाकी 11-12 स्टेप्स थे दोनों पोर्शन का अलग-अलग। और इनकी कीमत 32,000 रुपये में ये बिल इनका बना है हमारे इस क्लाइंट का, 32,000 रुपये में ये एक फ्लोर की जो सीढ़ी है वो फाइनल हुई है। तो ये था वादे के मुताबिक रेट, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।